बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि समय हो चुका है सुपर फाइव का, यानी आज की पांच बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहा, उस पांच बड़ी खबरों पर हम नजर बनाते हैं। आपको बता दें कि दिन भर जो बड़ी खबर है उसमें यह है कि बहुजन समाज पार्टी के बेस पर ही जो रावण अपनी पार्टी बना रहे हैं उनका झंडा भी तय हो चुका है। दूसरी बड़ी घटना के रूप करते हैं, आपको बता दें कि यूपी के बांदा के अंदर होली खेलने वाले हुड़दंगी ने एक दलित युवक को गोली मार दी है। तीसरी बड़ी घटना के रूप करते हैं, आपको बता दें कि आज माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि थी और जनता ने उनको याद किया। चौथी बड़ी घटना के रूप करते हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश के अंदर उठा पटक के बीच ज्योतिबा सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। पांचवी बड़ी घटना के रूप करते हैं, आपको बता दें कि सपा और बसपा के विधायक भी बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये आज की पांच बड़ी घटनाएं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी घटना के रूप करते हैं, आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जो अपनी पार्टी बना रहे हैं नई पार्टी, उस नई पार्टी का लोगो और चुनाव चिन्ह के साथ साथ जो पार्टी का झंडा है उसको लगभग तय कर दिया है। आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि भीम आर्मी का जो नया बनने वाला झंडा है वो नीले कलर का होगा और उसके बीच में व्हाइट कलर की पट्टी होगी, जिस तरीके का नीला झंडा बीएसपी का होता है और उस पर हाथी सफेद कलर का छपा हुआ होता है, उसी तरीके का झंडा भीम आर्मी का होगा। दूसरी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा के गांव तराया में एक बड़ी घटना सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि सुबह आज होली के दिन सुबह एक दलित युवक अपने सोच के लिए बाहर गया था और उसी दौरान जो होली खेलने वाले हुड़दंगी होते हैं उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन युवक जिसके गोली लगी है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि जिसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है वो वो बांदा जिले के तराया गांव का पिंटू श्रीनिवास है, जिसकी उम्र 26 साल है। उसके साथ ये गोली मारने की घटना सामने आई है। तीसरी बड़ी घटना की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें कि माता सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि आज के दिन 10 मार्च 1997 में पुणे के अंदर माता सावित्रीबाई फुले इस दुनिया से चली गई थी। आज देश भर के लोगों ने उनको याद किया। सोशल मीडिया पर भी सुबह सावित्रीबाई फुले ट्रेंडिंग में रहा। आपको बता दें कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश भर में लोगों ने उनको नमन किया। चौथी बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर आज बड़ा पेश आया और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिबा सिंधिया ने अपने 21 विधायकों के साथ इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बीजेपी अब सरकार मध्य प्रदेश में बनाने का दावा है वो पेश कर सकती है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस गतिविधियों का जरूरत थी बीजेपी को वो नब्ज उनके हाथ में आ गई और उन्होंने उस कमलनाथ की सरकार गिराने तक की जो पूरी कामयाबी हासिल करनी है वो कर दी। पांचवी बड़ी घटना के रुख करते हैं, आपको बता दें कि आज बीएसपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि बीएसपी के विधायक संजीव कुशवा और समाजवादी पार्टी के विधायक राजीव कुमार शुक्ला ने आज शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। आपको बता दें कि दोनों ही विधायक कई दिनों से बीजेपी के संपर्क में होने की बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम चल रहा है उनमें बीएसपी का भी अहम रोल है। बीएसपी के दो विधायक हैं और दोनों ही इस घटनाक्रम के मोहरे या उनके पूरी चालों का सियासत बने हुए नजर आ रहे हैं। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद